हे गाइस, वेलकम बैक टू फिटनेस इन्फिनिटी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे, नॉर्मली हम देख रहे हैं कि अभी समर पास आ रहा है तो काफ़ी लोग ट्रैक पे जा रहे हैं और हाइकिंग कर रहे हैं और ट्रैवलिंग कर रहे हैं सब लोग। तो मुझे नॉर्मली इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं कि टेल मी द बेस्ट प्रोटीन बार्स इन इंडिया। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं कर रहे तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, फॉलो मी ऑन केश मसल। तो मुझे जनरली मैसेजेस आते हैं कि रोहित, विच इज़ द बेस्ट प्रोटीन बार, और कौन सा प्रोटीन बार अच्छा है, और किस में आर्टिफिशियल स्वीटनेस कम है, कौन सा ज़्यादा नेचुरल है। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीक मैंने मसल ब्लेज प्रोटीन बार का रिव्यू किया था, अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप ऊपर एक लिंक आया होगा, आप उस पर क्लिक करके आप मसल ब्लेज प्रोटीन बार का रिव्यू देख सकते हो। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे योगा बार प्रोटीन के बारे में। तो हमारे पास दो वेरिएंट्स हैं। जो पहला वेरिएंट है वो है प्रोटीन मेनली फोकस हो रहा है, जिसका जो साइज़ है वो 60 ग्राम्स है, और जो दूसरा वेरिएंट है वो मल्टीग्रेन है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन एडेड है और वो उसका साइज़ छोटा है। तो हम देख सकते हैं कि जो मेन है जो जिम जाते हैं, जिनको प्रोटीन मेनली फोकस करना है, तो हाँ वो ये ले सकते हैं, और रेस्ट जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, और जो जनरल बेसिस पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, हाइकिंग कर रहे हैं, तो वो ये वाला प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। जो मेनली फोकस हो रखा है होल ग्रेन्स, सीड्स एंड नट्स। सो वी हैव दिस टू वेरियंट्स जिनके बारे में हम बात करेंगे एक एक करके थोड़ी देर में। इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, तो इस ब्रांड का एक मोटो है, इनकी एक फिलॉसफी है कि फूड दैट टेस्ट गुड एंड एट सेम टाइम डिलीवर्स न्यूट्रिशन। तो जो इनके प्रोटीन बार्स हैं वो टेस्टी होने के साथ साथ इनमें विदाउट एनी एडल्ट्रेशन बैलेंस्ड मैक्रोस ने इन्होंने इंक्लूड किए हैं, फॉर एग्जांपल मिनरल्स, विटामिंस, और जो इनके इंग्रेडिएंट्स हैं वो काफ़ी नेचुरल हैं। सो जो इनके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो है मिलेट्स रिच इन फाइबर, नट्स, सीड्स, हनी एंड ड्राइड फ्रूट्स, और मोर ओवर इसमें कोई फिलर्स या फिर एक्स्ट्रा फैंसी शुगर या फिर कोई फैंसी वर्ड्स इन्होंने इंक्लूड नहीं किए हुए, जस्ट गुड क्लीन फूड विद 100% नेचुरल फ्लेवर्स। सो ये तो बात थी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में। अभी हम बात करेंगे प्रोड्यूसर इन्फॉर्मेशन के बारे में कि ये प्रोडक्ट कहाँ से है और किस ब्रांड का है, वो ब्रांड कहाँ पर एस्टेब्लिश्ड है। तो जो ये योगा बार है, इसकी जो पेरेंट कंपनी का नेम है, जो इनकी जो कंपनी है उसका नाम है स्प्राउट लाइफ फूड प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बैंगलोर में एस्टेब्लिश्ड है, और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो योगा बार के नाम पे, जैसे कि प्रोटीन बार्स हैं, वो आपको अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, नेचर बास्केट पे, ग्रोफर्स पे आपको मिल जाएंगे, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों वेरिएंट्स के लिंक्स मेंशन कर दूंगा, आप उसको क्लिक करके आप उसको परचेज कर सकते हो। बट इस वीडियो को देखने के बाद मेक श्योर कि आप ऊपर लिंक्स में दो वीडियोज़ हैं, हाई प्रोटीन बार्स के और मसल प्लेस प्रोटीन बार के, आप उन दोनों को देखो और कंपेयर करो, और उसके बाद अपना फाइनल डिसीजन लो कि आपको कौन से प्रोटीन बार आपको सूट करता है आपके पर्सनल चॉइस के हिसाब से। सो मैं फिर से इस वीडियो में मेंशन कर दूंगा कि नेचुरल सोर्सेज से बेटर कोई फूड ऑप्शन नहीं है। ये जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं, ये जो प्रोटीन बार्स हैं, ये नेचुरल सोर्सेज को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो गाइस, मेक श्योर कि आप ये ना हो जाओ कि हर जिम के बाद मैं प्रोटीन बार खाता रहूँ। ठीक है, अगर आपको प्रोटीन बार कंज्यूम करना है तो मेक श्योर कि आप बेस्ट प्रोटीन बार कंज्यूम करो, बट अगेन आप नेचुरल फूड सोर्सेज को और प्रोटीन बार्स को जो ब्रांड से आ रहा है उनको आप कंपेयर नहीं कर सकते। उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, उनकी इंपॉर्टेंस है, उसमें बहुत डिफरेंस है। और बेस्ट प्रोटीन बार का मतलब है बेस्ट स्नैक, कि आपको जो इंस्टेंट एनर्जी मिल रही है स्नैक के थ्रू, वो इस तरीके की होनी चाहिए कि उसका जो कार्ब्स है, उसके जो प्रोटीन और फैट है, उसका एक प्रॉपर रेशियो होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कार्ब्स बहुत ज़्यादा है या फिर प्रोटीन बहुत ज़्यादा है और फैट बहुत कम है। डाइट्री फाइबर जो होता है वो कार्ब्स और प्रोटीन के रिस्पेक्ट में बैलेंस होना चाहिए, जो मैं अभी आपको ग्राउंड रूल्स के अंदर बताऊंगा। सो देर आर सम ग्राउंड रूल्स फॉर द बेस्ट प्रोटीन बार, जो कि है 12 टू 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको उस बार में मिलना चाहिए, 28 ग्राम्स और 30 के अराउंड कार्ब्स होने चाहिए, और जो फाइबर है वो 2 से 5 ग्राम होना चाहिए एटलीस्ट, नो स्वीटनर्स, नो प्रिजर्वेटिव्स, नो आर्टिफिशियल एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, और कोई फैंसी आइटम्स इसमें इंक्लूडेड नहीं होनी चाहिए। तो ये होगा आपका बेस्ट प्रोटीन बार। अगर ये सारी चीज़ें एक प्रोटीन बार के अंदर मेंशन है, वो इन चीज़ों को फॉलो कर रही है, दैट मीन्स दैट प्रोटीन बार शुड बी योर परफेक्ट कंपेनियन जब आप ट्रैवल कर रहे हो या जब कहीं भी आप जा रहे हो। ये पूरा बॉक्स जो होगा, दोनों बॉक्स हैं, इन दोनों के प्राइजेज हैं, एक अराउंड 600-700 के अराउंड है और एक जो है वो 300 के अराउंड है। लिंक्स में आपको मैं मेंशन करूँगा। अभी हम इसके डिस्क्रिप्शन की बात करें तो मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन करूँगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए अगर आप किसी भी प्रोटीन बार को खरीद रहे हो, जो कि है नो सोय एडेड, नो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इन दिस प्रोडक्ट,
no sugar alcohols, no vegetable oil glycerin, gluten free, less sodium and healthy fats. तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोडियम कम होना चाहिए उसमें, आर्टिफिशियल स्वीटनेस एडेड नहीं होना चाहिए, जैसे कि स्प्लेंडा, स्टीविया और कॉर्न सिरप जो नॉर्मली यूज़ करते हैं मीठा बनाने के लिए, वो नहीं होना चाहिए, अदर फैंसी आइटम्स नहीं होने चाहिए. तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीज़ें इस प्रोडक्ट में इंक्लूड नहीं होती. और जैसे कि हम देखा जाए, ये जो चीज़ें जब हम ऐड करते हैं प्रोडक्ट के अंदर, तो उस प्रोडक्ट की जो लाइफ होती है वो बढ़ जाती है. आप उसको 4-5 महीने तक स्टोर कर सकते हो. बट मैं रिकमेंड करूँगा, और इसमें लिखा भी है कि जो ये जो योगा बास के जो प्रोडक्ट्स हैं, इसको आप ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते. उसका रीज़न ये है कि ये बहुत नेचुरल सोर्सेज से बने हुए हैं, लाइक बकवीट और ब्रैन ऑयल, नट्स, सीड्स, हनी, डेट्स. तो ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं और टाइम के साथ साथ वो चीज़ें ख़राब होने शुरू हो जाती हैं. तो यही चीज़, यही एक साइन है जो बताता है कि कौन सा प्रोडक्ट जेन्युइन है, कौन सा प्रोडक्ट कम एडल्ट्रेटेड है. तो अभी मैं जनरल बात करूँ, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये डेफिनेटली हमारे मदर नेचर, हमारे अर्थ से जो फूड्स और फ्रूट्स निकलते हैं उनको तो ये बीट नहीं कर सकते. बट योगा बार इज़ द बेस्ट प्रोटीन बार मैंने जो अभी तक कंज्यूम किया है. टेस्ट में बहुत बढ़िया टेस्ट है, हर एक फ्लेवर का बहुत अच्छा टेस्ट है. स्पेशली जो मेरा फेवरेट टेस्ट है वो है बेक ब्राउनी और समथिंग ऑरेंज कैशू नट, मुझे दोनों फ्लेवर बहुत अच्छे लगे. और ये जो पूरा बॉक्स है ये असॉर्टेड है, इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स हैं. तो बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप किसी एक फ्लेवर पे ना जाओ, आप असॉर्टेड लो, मिक्स ऑफ फ्लेवर्स लो. और जब आप पहला कंज्यूम करो वाइल आर ट्रैवलिंग, वाइल आर समथिंग काइंड ऑफ एडवेंचर, तो आप खुद डिसाइड करो कि मेरा कौन सा फेवरेट है. यानी कि आपने एक फ्लेवर का पूरा बॉक्स पे इन्वेस्टमेंट कर लिया और बाद में आपको सारा खाना पड़ रहा है ज़बरदस्ती. सो दैट वॉज इट. मैं यही बोलूँगा कि these products can't replace natural food sources, but yoga bar is the best protein bar. और best snack की category में मैं इसको डालूँगा. Perfectly created macros, सही amount of fats, carbohydrates and protein, and moreover free from any kind of adulteration, no artificial sweetness, purely natural. Bottom line is, मैं इन सब का fan नहीं हूँ, but yes, मैं next week में traveling पर जा रहा हूँ, तो मैं definitely yoga bars को order करने वाला हूँ और पूरा एक पैकेट लेकर जाऊंगा, क्योंकि हर जगह खाने की अवेलेबिलिटी नहीं होती तो हम सब कंज्यूम कर सकते हैं. बट अगर आप घर में हो, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो और अगर आपके पास खाना बनाने का टाइम है, मेक श्योर कि आप खुद जाओ, अपना खाना खुद कुक करो और इन सब पे आप रिलाई मत हो. बट इफ़ यू आर पिकिंग अप एनी वन प्रोटीन बार, यू शुड डेफिनेटली गो विद योगा बार्स एनी डे. सो गाइस, दैट वॉज ऑल इन दिस वीडियो. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे फिट, स्टे ट्यून्ड. Never be turning around, ayy. Never be slowing it down, ayy. I keep my foot on the gas, ayy. I know I'm never gonna crash, I know I'm never